Lecture number 5, elasticity. Today in this video we will try to discuss strain. Last lecture number 3 or 4 mein, we talked only about stress. Now we'll talk about strain also, okay, its formula and unit dimension, and also we'll discuss types of strain. Simultaneously we'll discuss types of stress also. Okay, so स्ट्रेन का ऑलरेडी हम लोग ने डेफिनेशन ऑलरेडी देखा हुआ है, डेफिनेशन ही इनफैक्ट थोड़ा सा मीनिंग हम लोग ने उसका देखा हुआ है, और स्ट्रेन का मतलब क्या होता है वो भी मैं लिख देता हूँ. तो लेट मी राइट स्ट्रेन. तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने बोला था कि स्ट्रेन मतलब क्या होता है. स्ट्रेन मतलब होता है डिफॉर्मेशन. स्ट्रेन मतलब क्या होता है? डिफॉर्मेशन. एंड व्हाट डू मीन बाय डिफॉर्मेशन? डिफॉर्मेशन मतलब वन वर्ड में इफ आई वांट टू एक्सप्लेन इट इज चेंज. और हम लोग ने चेंज कितने टाइप के देखे थे? तो चेंज हम लोग ने तीन टाइप के देखे थे. एक होता है लेंथ में चेंज होना. जब भी लेंथ में चेंज होता है हम लोग उसको क्या बोलते हैं? साइज में चेंज हो गया. दूसरा जो चेंज होता है दैट इज वॉल्यूम में चेंज होना. वॉल्यूम में चेंज होना वी कॉल इट एज शेप का चेंज होना. और तीसरा ठीक है कॉन्फिगरेशन का चेंज होना. कॉन्फिगरेशन का चेंज होना इज एटम का पोजीशन. एटम का पोजीशन चेंज होना. ओके, ये जो आता है लेंथ वाले चेंज को हम लोग वन डायमेंशनल भी बोलते हैं, वॉल्यूम के चेंज को थ्री डायमेंशनल भी बोलते हैं, और इसको हम लोग एंगुलर बोलते हैं दैट इज थीटा. और लेंथ वाला जो चेंज होता है यूजुअली नॉट ऑलवेज ये जो आता है ये यूजुअली पुल एक्शन से आता है, ये पुश एक्शन की वजह से आता है, और ये आता है ठीक है शीयर बोलो ठीक है ट्विस्ट बोलो या फिर इसको बेंड बोलो. ओके, नाउ वी डिस्कस ईच एंड एवरी टाइप ऑफ चेंज डिफॉर्मेशन दैट इज स्ट्रेन इन डिटेल. अच्छा, स्ट्रेन का कैलकुलेशन कैसा होता है? तो स्ट्रेन का कैलकुलेट करने के लिए एक ही फॉर्मूला है दैट इज कितना चेंज हुआ कितने पे, दैट इज चेंज अपॉन ओरिजिनल. ठीक है, मैंने क्या बोला? इट इज ऑलवेज कितना चेंज हुआ कितने पे. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट कितना चेंज हुआ कितने पे, कितना चेंज हुआ कितने पे. ओके, नाउ फर्स्ट स्ट्रेन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज ठीक है लीनियर स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनियर स्ट्रेन. बट बिफोर वी डिस्कस दैट, एक छोटा सा जो कॉन्सेप्ट है जरा देख लो. ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने एक वायर लिया या रोप लिया. लेट्स से दिस इज दैट रोप. एक एंड उसका फ्री है और दूसरा एंड मैंने क्या किया? उसका वॉल में फिक्स कर दिया. लेट्स से आई हैव अ रोप. ठीक है, the one end of the rope I have fixed it in the wall. ठीक है, other end of the rope ठीक है, ठीक है, kept it free. Now the free end ठीक है, what I am doing is ठीक है, this free end ठीक है, now I am continuously I am ठीक है doing it this way. तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? ये जो rope है बरोबर है, इसको मैं हिला नहीं रहा हूँ. ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ? इसको मैं disturb कर रहा हूँ, और continuously मैं इसको ऐसे disturb करते जा रहा हूँ. और रोप किससे बना हुआ है? तो रोप बना हुआ है रोप के पार्टिकल से. रोप किसका बना है? रोप किसी ना किसी चीज का बना. रोप जिस किसी भी चीज का बना है हम लोग ने बोला वो रोप के पार्टिकल. ठीक है, मैं रोप को पकड़ के ऐसे इसको मैं क्या कर रहा हूँ? डिस्टर्ब कर रहा हूँ. ठीक है, और यहाँ पर एक स्टूडेंट बैठा था, मैंने उसको बोला फोटो खींच ले. तो जब वो फोटो खींचता है तो फोटो में ये रोप हॉरिजॉन्टल नहीं आता, ये रोप कुछ ऐसा आता है. आई अंडरस्टैंडिंग? मतलब ये वाला पार्टिकल मुझे यहाँ दिखता है, 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 एंड सो ऑन. ओके, तो ये जो है ना इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेव बोलते हैं. फिर से मैंने क्या किया? रोप ऐसा हॉरिजॉन्टल था, रोप को पकड़ के मैंने कंटिन्यूसली ऐसे ऐसे मैंने क्या किया? उसको डिस्टर्ब किया. और जब डिस्टर्बेंस को है ना, और ये डिस्टर्बेंस को जब मैंने देखा तो डिस्टर्बेंस मुझे कैसे दिखा? वेव के फॉर्म में. इसीलिए हम लोग ने वेव का डेफिनेशन भी वैसे ही बनाया. हम लोग ने क्या बोला? वेव इज अ डिस्टर्बेंस. वेव क्या होता है? एक टाइप का डिस्टर्बेंस होता है. और एक चीज समझो, मैंने तो सिर्फ ये वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया था, लेकिन मैं क्या देखता हूँ कुछ देर के बाद में ये सब पार्टिकल डिस्टर्ब हो गए थे या डिस्टर्ब होना चालू हो गए थे.
तो मुझे एक चीज नहीं समझा कि ये कैसे हुआ। मैंने तो ये पार्टिकल को डिस्टर्ब किया था, कुछ देर बाद ये वाला पार्टिकल कैसे डिस्टर्ब होना चालू हो गया। नाउ अंडरस्टैंड, जब हम लोग बोलते हैं कि डिस्टर्ब किया, तो डिस्टर्ब हम लोग कैसे करते हैं। ये पार्टिकल को पकड़ के मैंने क्या किया, ऐसे खींचा। पार्टिकल को पकड़ के मैंने क्या किया, खींचा, मतलब मैंने पार्टिकल के ऊपर क्या लगाया, फोर्स लगाया, तो पार्टिकल का डिस्टेंस चेंज हुआ। मतलब मैंने क्या किया, वर्क किया, मतलब मैंने वो पार्टिकल को क्या दिया, एनर्जी दिया। और हम लोग ने है ना केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि कोई भी चीज़ अगर ऐसे से मूव करी, उसको एनर्जी दोगे तो और ज़्यादा वाइब्रेट करेगा, और ज़्यादा ऑसिलेट करेगा, वो मूव करेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पार्टिकल को एनर्जी दिया और कंटिन्यूसली मैं एनर्जी ऐसे दे ही रहा हूँ, बरोबर। इसके पास एनर्जी है, इसके बाजू में पार्टिकल के पास एनर्जी नहीं है, तो एनर्जी ऑलवेज फ्लोस फ्रॉम हाई टू लो, बरोबर है कि नहीं। इसका मतलब कुछ देर बाद ये पार्टिकल भी मूव करने लग रहा है, मतलब इसके पास भी एनर्जी आई। तो इसके पास ये एनर्जी आई कहाँ से, तो हो ना हो जो एनर्जी मैंने इसको दी थी वही एनर्जी यहाँ से यहाँ तक ट्रांसफर करके आई, ठीक है। बट यहाँ पर मैं वेव मोशन नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो वेव मोशन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, तब हम लोग ज़्यादा डिटेल में इसकी बात करेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर क्या क्या बताने को ट्राई कर रहा हूँ, इस कि मैंने तो ये वाले पार्टिकल को डिस्टर्ब किया था, फिर ये डिस्टर्ब हुआ, ये डिस्टर्ब हुआ, ये डिस्टर्ब हुआ, ऐसे करते करते डिस्टर्बेंस, मतलब डिस्टर्बेंस यहाँ पर कैसा ट्रैवल कर रहा है, डिस्टर्बेंस यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रैवल कर रहा है, बरोबर है। डिस्टर्बेंस यहाँ पर कुछ ऐसा ट्रैवल कर रहा है, और डिस्टर्बेंस ये यहाँ पर, ठीक है, जो लेफ्ट टू राइट डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, ये कैसे ट्रैवल कर रहा है ना, जिसमें ये डिस्टर्बेंस पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं, दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री का। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तभी हम लोग वर्ड क्या यूज़ करते हैं, ट्रांसवर्स या फिर लैटरल, इसीलिए ये वेव को हम लोग ट्रांसवर्स वेव भी बोलते हैं या लैटरल वेव भी बोलते हैं। ओके, दूसरा चीज़ समझो, मैंने क्या किया, मैंने एक स्प्रिंग ले लिया, मैंने क्या किया, मैंने एक स्प्रिंग ले लिया, स्प्रिंग, ओके, स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग की स्प्रिंग बोलो, सोलेनोइड बोलो, कॉइल बोलो, इस बनाए द सेम थिंग। अब ये स्प्रिंग के मैंने एक कॉइल को पकड़ा और मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया, तो ये जो कॉइल है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, बरोबर। मतलब मैंने क्या किया, ये कॉइल के ऊपर वर्क किया, मतलब ये कॉइल को एनर्जी दिया, बरोबर, एनर्जी दिया, ठीक है। और मैं क्या कर रहा हूँ, एनर्जी देके इसको ऐसे डिस्टर्ब कर रहा हूँ। कुछ देर बाद मैं क्या देखता हूँ, ये सब कॉइल डिस्टर्ब होना चालू हो गए रहते, बरोबर है। तो मेरा क्या सोचना था कि मैंने तो ये वाले कॉइल को डिस्टर्ब किया, तो ये कॉइल डिस्टर्ब हुआ कैसे, हो ना हो इसके पास भी जो एनर्जी आई रहेगी वो यहीं से आई है, ओके। और जब मैं कंटिन्यूसली इसको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ठीक है ना, और अगर मैं यहाँ से सामने से इसका फोटो खींचूंगा, तो फोटो में मुझे कुछ ये कॉइल्स कुछ ऐसे दिखेगी। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। कहीं पे कॉइल नजदीक आ जाएगी, कहीं पे कॉइल दूर जाएगी। जहां पर कॉइल नजदीक आती है वो रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेशन, और जहां पर कॉइल दूर दूर हो जाते हैं वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, रेयरफैक्शन। तो यहां पर भी देखो डिस्टर्बेंस कैसे ट्रांसफर हुआ है, डिस्टर्बेंस यहां पर भी लेफ्ट टू राइट ही गया, बरोबर। डिस्टर्बेंस यहां पर लेफ्ट टू राइट ही ट्रैवल कर रहा है, बट यहां पर डिस्टर्बेंस कैसे ट्रैवल कर रहा है ना, कॉइल के आगे पीछे होने से, बरोबर है। अब कॉइल किसका बना है, कॉइल के पार्टिकल्स का, तो यहाँ पर पार्टिकल कैसे वाइब्रेट कर रहे हैं, ऐसे वाइब्रेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वाइब्रेशन और जो डिस्टर्बेंस ट्रैवल कर रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो। जब भी एंगल जीरो होता है तो हम लोग कौन सा वर्ड यूज करते हैं, हम लोग वर्ड यूज करते हैं या तो लॉन्जिट्यूडिनल, या तो हम लोग वर्ड यूज करते हैं लीनियर, ठीक है, ये दिमाग में याद रखना, ठीक है। तो जब भी एंगल 90 डिग्री होता है वी कैन यूज द वर्ड ट्रांसवर्स और लैटरल, ओके, और जब भी एंगल जीरो होता है वी नॉर्मली वी यूज द वर्ड लॉन्जिट्यूडिनल एंड लीनियर। लीनियर हम लोग तब यूज करते हैं मोस्टली जब ज्यादा करके लेंथ की बात होती है तब, ओके। नाउ अगेन कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, दैट इज स्ट्रेन करके। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैंने एक वायर ले लिया, ठीक है, लेट्स से दिस इज द वायर, ओके, वायर को मैंने ऐसे सीलिंग से लटका के रखा हुआ है, ओके, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। इसका कुछ ना कुछ लेंथ है, व्हाटएवर इज द लेंथ, मैंने बोला इसका लेंथ है एल करके। मैंने क्या किया, इसके ऊपर वेट अटैच किया, इतना ज़्यादा भी वेट अटैच नहीं किया कि वेट अटैच करते ही वायर टूट जाए, मैंने कुछ तो वेट अटैच किया, लेट्स से 10 न्यूटन का, और मैं क्या देखता हूँ ये वायर लेंथ में कुछ इतना इंक्रीज हो गया, ओके। तो वायर लेंथ में कितना इंक्रीज हुआ, इतना हो गया, ये क्या हो गया, दैट इज डेल्टा एल। और मैंने क्या किया, नीचे मैंने वेट अटैच किया हुआ है, लेट से दिस इज दैट वेट, ओके, वेट मतलब क्या होता है, फोर्स, और फोर्स इज नथिंग बट एम जी। नाउ लिसन, यहाँ पर अगर मैं पूछूंगा, ठीक है, यहाँ पर क्या, जब जैसे मैंने है ना ये वायर का एक फॉर्म था, बरोबर है, कौन सा फॉर्म था, सिलेंडर वाला फॉर्म था, मैंने इसके ऊपर डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया इन द फॉर्म ऑफ वेट,
और ये वेट ने क्या किया, उसको कुछ है ना, उसको डेल्टा एल से खींचा और वो रुक गया। क्यों रुक गया, वी ऑलरेडी डिस्कस, इक्विलिब्रियम हो गया, नेट फोर्स जीरो हो गया, अंदर वाला फोर्स आ गया, बट वो सब डिस्कस नहीं कर रहे हम लोग। यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं, जब भी मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो इस ये वायर के अंदर चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, वायर के अंदर चेंज हुआ है, वायर के अंदर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। और चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, वायर के अंदर क्या हुआ है, चेंज हुआ है। और चेंज मतलब क्या होता है, चेंज मतलब होता है स्ट्रेन करके, ये जो स्ट्रेन हो रहा है बरोबर है, ये स्ट्रेन दैट इज रिलेटेड टू लेंथ एंड व्हेनेवर ठीक है, व्हेनेवर द चेंज इज रिलेटेड टू लेंथ, हम लोग वर्ड यूज करते हैं लीनियर। या फिर अगर तुम देखोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ठीक है, फोर्स कैसा लग रहा है बरोबर है, अगर यहाँ पर तुम देखोगे तो फोर्स देखो वर्टिकल लग रहा है ऐसे बरोबर है, फोर्स यहाँ पर वर्टिकल लग रहा है। और अगर मैं तुमको पूछू फोर्स ये वायर पे लग रहा है बरोबर है, जब फोर्स वायर के ऊपर लग रहा है ठीक है ना, तो इसका लेंथ में इंक्रीज भी ऐसे हो रहा है, वर्टिकली हो रहा है और फोर्स भी वर्टिकली लग रहा है, तो दोनों देखो यहाँ पर कैसे है, जीरो डिग्री है। इसलिए हम लोग यहाँ पर कौन सा वर्ड यूज करते हैं, लॉन्जिट्यूडिनल, वी यूज द वर्ड लॉन्जिट्यूडिनल या लीनियर ओके। और वहां पर मैंने जैसे बोला था स्ट्रेस का नोटेशन होता है सिग्मा, वैसे यहाँ पर स्ट्रेन का नोटेशन क्या होता है, छोटा ई करके। तो यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, लेंथ में चेंज हो रहा है ना, लेंथ में चेंज हो रहा है, इसे इसलिए इसलिए हम लोग ने वर्ड यूज किया लीनियर ठीक है ना। लॉन्जिट्यूडिनल क्यों, क्योंकि दोनों के ना जब इसके ऊपर फोर्स कैसा लग रहा है, इसके ऊपर फोर्स वर्टिकल लग रहा है और लेंथ का चेंज भी क्या हो रहा है, वर्टिकल हो रहा है, इसलिए हम लोग ने लॉन्जिट्यूडिनल और लीनियर वर्ड यूज किया। अच्छा क्या चेंज हो रहा है ना, चेंज हो रहा है, तो चेंज मतलब क्या होता है, स्ट्रेन। और स्ट्रेन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कितना चेंज हुआ ठीक है, कितने पे, कितना चेंज हुआ कितने पे। यहाँ पर मुझे चेंज किसका निकालना है, यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, लेंथ हो रहा है बरोबर है, तो यहाँ पर मैं ऊपर लिखूंगा चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ ओके। नाउ ये जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन का नोटेशन क्या होता है, ई होता है, बट ये कौन सा चेंज हो रहा है, लेंथ वाला चेंज हो रहा है, इसलिए सफिक्स में मैंने एल लगा दिया। चेंज इन लेंथ का नोटेशन क्या है, डेल्टा एल है और ओरिजिनल लेंथ कितना है, एल है। नाउ अगर मैं डेल्टा एल का यूनिट पूछूंगा तो डेल्टा एल का यूनिट कितना आएगा, डेल्टा एल का यूनिट आएगा मीटर और इसका भी यूनिट क्या आएगा, मीटर, मीटर मीटर कैंसल, तो स्ट्रेन हैज नो यूनिट नो डायमेंशन, नो यूनिट नो डायमेंशन। तो एग्जाम में किसी ने पूछा व्हाई स्ट्रेन डज नॉट हैव एनी नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, तो तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, इट इज द रेशियो ऑफ सेम क्वांटिटी, ऊपर भी लेंथ और नीचे भी लेंथ। और अगर एग्जाम में पूछा व्हाट इज लॉन्जिट्यूडिनल या लीनियर स्ट्रेन, तो इसके बहुत सारे अलग अलग है ठीक है, तुम ऐसे ही बोल सकते हो व्हेन द चेंज इज रिलेटेड टू लेंथ इट इज नोन एज लॉन्जिट्यूडिनल या लीनियर स्ट्रेन, बट एग्जाम में वो डेफिनेशन पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो एग्जाम में तुमको क्या लिखना है, एग्जाम में लिखना है चेंज इन लेंथ पर यूनिट है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं पर यूनिट। तो चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ इज नोन एज व्हाट, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन, बट दिस इज रिलेटेड टू व्हाट, व्हिच टाइप ऑफ चेंज, लेंथ वाला चेंज, व्हेन द चेंज इज रिलेटेड टू लेंथ इट इज नोन एज लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन या लीनियर स्ट्रेन ओके। नाउ अब अगर बात करें यहाँ पर, तो ये वेट ने क्या किया, इसको डेल्टा लेंथ से खींचा और बाद में रुक गया बरोबर है, क्यों रुक गया, क्योंकि जितना नीचे फोर्स है उतना ही अंदर फोर्स है, कैसे अंदर फोर्स है, अगर ये वेट को हटा दूं मैं तो ये वायर क्या होगा, वापस अपना ओरिजिनल साइज शेप में आ जाएगा, मतलब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फोर्स है, कौन सा फोर्स है, इसके अंदर जो फोर्स है उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं बरोबर है। और ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ठीक है, पहले ये वायर के अंदर ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स जिसको हम लोग स्ट्रेस भी बोलते हैं, ये वायर के अंदर ये इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पहले तो नहीं था, ऐसा मैंने क्या किया जिसकी वजह से वो स्ट्रेस अंदर आ गया, जिसकी वजह से अंदर इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स आ गया, तो वायर को मैंने क्या किया, वेट लगा के मैंने क्या किया, वायर का लेंथ मैंने क्या किया, चेंज किया, मतलब वायर के अंदर मैंने क्या किया, लॉन्जिट्यूडिनल एंड लीनियर स्ट्रेन किया। तो जब मैंने वायर के अंदर लेंथ का चेंज किया डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के, तब जाके अंदर उसके अंदर क्या आया, स्ट्रेस आया। तो जब भी जो भी स्ट्रेस है ना, द स्ट्रेस है ना, जो स्ट्रेस लॉन्जिट्यूडिनल या लीनियर स्ट्रेन की वजह से आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर स्ट्रेस या लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो व्हाट इज लीनियर स्ट्रेस या लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस, तो तुमको डेफिनेशन में ऐसा लिखना है कि द स्ट्रेस
associated, the stress associated with linear strain या longitudinal strain is known as what? Longitudinal या linear stress. तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ linear. Let me write it this way. This is longitudinal, ठीक है, या linear stress. तो what is longitudinal या linear stress? The stress associated with linear या longitudinal strain, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? Longitudinal या linear stress. अब stress हम लोग कैसे calculate करते हैं? तो हम लोग ने last video lecture में देखा था, stress मतलब क्या होता है? Stress मतलब होता है internal restoring force per unit area. बरोबर है, stress का notation क्या होता है? Sigma होता है. और यहाँ पर internal restoring force मतलब force और area. ओके, अब अगर stress की बात करूँ तो ये कौन सा stress है? तो ये है linear stress या longitudinal stress. तो मैंने कुछ इसका suffix में L लगा दिया. ओके, और यहाँ पर अगर मैं unit की बात करूँ तो इसका unit होगा newton, इसका unit होगा meter square. तो इसका यूनिट क्या आ गया? न्यूटन पर मीटर का स्क्वायर करके. अब यहाँ पर और एक चीज जरा समझने वाली, जरा देखो, ठीक है, ये जो फोर्स है जो एरिया पे लग रहा है, कौन से एरिया पे लग रहा है? जैसे कि अगर ये वायर है तो ये जो एरिया है इसका, ये वाला, बरोबर, कट सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन है, फोर्स ये वाले एरिया पे लग रहा है. अब एरिया जो हॉरिजॉन्टल है, एरिया क्या है? एरिया जो है हॉरिजॉन्टल, और फोर्स ऐसा लग रहा है. तो दोनों के बीच में कितना रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? फोर्स जो एरिया पे लग रहा है उन दोनों के बीच में एंगल देखो 90 डिग्री है. बट हर बार 90 डिग्री हो ऐसा जरूरी नहीं है. ओके, अब एक चीज जरा और समझो. वहां पर हम लोग ने क्या लिखा है? द स्ट्रेस एसोसिएटेड विथ लीनियर या लॉन्जिट्यूडिनल जो होता है, ठीक है, वो कौन सा होता है? वो अपना होता है लीनियर या लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस. मुझे बोलना चाहिए वो, बट मैं वो नहीं बोलूंगा. मैं उसको क्या बोलूंगा? मैं उसको कुछ और स्ट्रेस बोलूंगा. अब ये चीज समझो, मैं उसको और दूसरा क्या बोलूंगा? तो मैं यहाँ पर ऐसा बोलूंगा, अगर ये वायर के ऊपर देखोगे तो वायर के ऊपर जब मैंने वेट लगाया तो वायर के ऊपर कौन सा एक्शन हो रहा है? वायर के ऊपर हो रहा है, ठीक है, कौन सा एक्शन हो रहा है? वायर के ऊपर पुल एक्शन हो रहा है. अगर जिसने मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस नहीं देखे है ना, उसमें से मैंने एक्सप्लेन किया टेंशन एंड कॉम्प्रेशन. कभी भी किसी भी चीज को पुल करोगे तो वो क्या हो जाता है? वो टेंस्ड हो जाता है. वो कौन से स्टेट में जाता है? तो वो टेंशन में जाता है. और उसकी वजह से जो उसके अंदर फोर्स आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? टेंजाइल फोर्स बोलेंगे. और ये टेंजाइल फोर्स हमेशा कैसा होता है? ये बॉडी है जो उसको डिफॉर्म कर रहा है. तो टेंजाइल फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी. टेंजाइल फोर्स इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है. तो यहां पर देखो, ये इसको नीचे खींच रहा है, बट इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर होता है. इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? अंदर होता है. टेंजाइल फोर्स भी क्या होता है? अंदर होता है. इसीलिए लीनियर या लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग उसको टेंजाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजाइल स्ट्रेस भी बोलते हैं. तो आई होप यू आर गेटिंग. अगर नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा. ओके,